किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो है 12/5/2024 की गन्ना बुआई है, जो अपना 0118 था जी ट्रंच विधि का। और इसमें उस दिन हमने स्प्रे करी थी पहले तो पोटेशियम हुमेट की, जो मैंने आपको बताया था, और फिर हमने इसकी मौसम खुलते ही रोटावेटर से पहली जुताई करी कम से कम 70-75 दिन के बाद में। अब एकदम से जैसे है, मैं आज बारिश के बाद में आया हूँ। हमारे यहाँ अभी 3 दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, जुताई करते ही मुझे गन्ना जो है काफ़ी एकदम बड़ा सा लगा। मुझे वहम है या वीडियो देख के आपको भी लगेगा कि गन्ना थोड़ा सा एकदम ऊंचा हुआ, ये देख लो जी। और इस बार जैसे हमने जेड पट्टी के हिसाब से गन्ने की बुआई करी थी, तो गन्ने में ब्यात भी मुझे काफ़ी लग रहा, देखो जी। और एकदम गन्ना जो है कलर पर भी आया, ये देख सकते हैं। कुछ भाई मुझे ये सलाह दे रहे थे कि भैया आपने इस बार जो है, ये देखो जी, गन्ने में जो है आँख ये पड़ी, और देखो कितने एकदम से ब्यात इसने कर दिया। ब्यात तो जेड पट्टी के माध्यम से हो गया था। तो मैं कुछ किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि लेट गन्ना जैसे आप बुआई करते हैं मई में, तो वो किसान भाई क्या गलती करते हैं, जो असोजी गन्ना है उसी पैटर्न पर वो बुआई करते हैं, जो मार्च की बुआई होती है उसी पैटर्न पे बिल्कुल, कि आँख एक आँख रखेंगे और दूर दूर रखेंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप 75 बुआई कर रहे हो तो गन्ने में 50 से 1 कुंटल बीज बढ़ा दें, क्योंकि जितना गन्ना लेट होगा उतनी उसका ब्यात जर्मिनेशन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि उसे इतना समय नहीं मिल पाता। तो ये हमने जो तौर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इस बार हमने जेड पट्टी की बुआई की थी, ये मुझे लग रहा कि हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 100% कामयाब होगा। क्योंकि कुछ भाई ये गलती कर रहे हैं कि वो ट्रंच बोरे हैं, चौड़ाई उन्होंने बढ़ा दी, बीज की क्वालिटी पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी भी नहीं उन्होंने उसकी बढ़ाई, तो उन्हें वो चितना छिद्दा हो जा के उनका उत्पादन घट जा। लेकिन दोस्तों देखो, खूड कितने शानदार हो रहे हैं जी, ज़बरदस्त। और इस बार जो है हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम बिल्कुल भी इसकी जो गहराई है जहाँ ट्रिलिंग करता है गन्ना, वो बिल्कुल भी ना दबा में। तो 70 से 75 दिन के बाद में हमने पहली जुताई करी, बहुत शानदार गन्ना मुझे जो ये है अपनी मेहनत के हिसाब से लग रहा है। आगे करने वाला, फल देने वाला तो परमात्मा ही है, ये देखो जी। यहाँ कारण मेन ये हो गया था गन्ने टूटने का, कि ये जो हमारा नींबू का पौधा है ये बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा था, नहीं तो दोस्तों मुझे ये अगर मैं इसे निकालता तो ये टूट जाता पौधा, अरे ये ना टूटता। अब देखो, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग शुरू होगी, ये एक बड़ी अच्छी नस्ल का पौधा है, तो अगर इसकी केयर करेंगे तो इस पर अच्छे नींबू हमें मिलेंगे। लेकिन ये जगह थोड़ी सी, फिर मैंने सोचा मैं कहा भाई अगर बैक करूँगा तो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ से ट्रैक्टर ऐसे निकाल दिया था, तो इस वजह से 2-3 गन्ने यहाँ टूट गए। परले धोरे पर भी थोड़ा सा 4-5 गन्नों का नुकसान हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। इस बार हमने इस तरफ जो है ये जो है सुपर नेपियर ये बो दिया था, ये देखो जी, खड़ी आँख का ये जम रहा है बहुत बढ़िया, ये देखो। तो अब जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा तो ये हरा चारे में बहुत अच्छा काम करेगा, और इसके हमें 2 लाभ और मिलेंगे कि ये जो हमारी खाई है, इसकी जो दूब घास है ये इसे पी जाएगा, ये इसे नीचे नहीं जाने देगा, तो यहाँ सफाई रहेगी। यहाँ मिट्टी का एक खूड़ बना देंगे जिससे जो है इसमें मतलब सील सील रहेगी। अब देखो जी ये कितना अच्छा हो रहा, ज़बरदस्त। अगली बार से थोड़ा सा और सुधार करेंगे, धीरे 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 इसी में ही अपनी कलाकारी जो है बनाते रहेंगे। ये देखो जी, एक कोली के मेड्डे होगी। और इस बार जो है मार्च, मतलब अब जो चल रहा है अगस्त, अगस्त के 20-25 अगस्त के आसपास इसमें जो है मिट्टी दे देंगे, ये देख लो जी, बहुत शानदार। आपको कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय जरूर देते रहें। और इसमें मैं उन भाइयों को श्रेय दूंगा, जैसे सुजीत भाई हैं बफर वाले, उन्होंने भी मुझे समय पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। रमन संदन है, संदन गांव के, जो अपना मवाना में पढ़ते हैं रमन भैया, उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत समय पर गाइड करा कि अब ये लगा दो, अब ऐसा कर दो। कुलबीर ताऊ जी हैं तिसोतरा वाले, उनसे भी मैंने राय ली समय पर, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा मतलब जानकारी दी। फिर अपने भैया हैं कपिल तुगाना से, उन्होंने भी मुझे कई अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी। कुछ इसमें पीबीसी एग्रो
के प्रोडक्ट की हमने स्प्रे करी जो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कंपनी का कि उस प्रोडक्ट में भी काफ़ी अच्छा दम है, उसने भी गन्ना बहुत बढ़िया करा। अब ये देखो जी आपके सामने खड़ा, अगली बार जो है जैसा ये यहाँ पर रह गया, देखो ये थोड़ा ही यहाँ गैप फिलिंग होगी, अगली बार से मैं एक टेक्निक और सीख के आया हूँ बिजनौर में अपने ताऊ जी जो हैं उनके पास से, कि हमें एक चीज़ और करनी है कि जो धोरे का हम खूड़ बोते हैं वो हम साथ के साथ ही बो देंगे, उसी दिन बुआई कर देंगे जिस दिन हम इस खेत की बुआई करेंगे। और इसमें जो है जैसे ही हमारी पहली जम के आओगा गन्ना, पहली नड़ाई लगेगी, तुरंत एकदम साथ के साथ ही उसमें उन्हें गन्नों को उखाड़ के अंदर गैप फिलिंग कर देंगे। जैसे कहीं कहीं जैसे ये गन्ना देखो छोटे हैं थोड़े से ये गन्ने, इसकी मिट्टी इसलिए लेट कर रहे दोस्तों कि कुछ गन्ना इसमें बाद में जमा था, क्योंकि हमारे यहाँ बुआई होते ही बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी थी, तो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि अगर 20 दिन में 15 से 20 दिन एक डोज इसमें अभी और लगाऊंगा, 15 से 20 दिन बाद में इसमें मिट्टी दूँ तो जो अपना छोटा गन्ना है वो सिमट जाएगा बिल्कुल। ये देखो जी मुझे बहुत अच्छा लगा गन्ना, थोड़ा सा एक बार मैं आपको इसका पल्ला धोरा और दिखा दूँ, या पल्ला धोरा तो दोस्तों ऐसा ही है ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें फगन वाले में भी बता दूँ आपको। ये देखो जी बहुत ही प्यारा हो रहा खेत अब तक, जैसा लेट गन्ना वैरायटी है, और ये लगभग 12 मई की बुआई है, 12 मई से जून जुलाई अगस्त, अभी ये 90 दिन का नहीं हुआ क्योंकि 90 दिन का जो है ये 12 अगस्त को होगा, तो उस हिसाब से मुझे गन्ना ये ठीक ठाक लग रहा कि ये पूरा अगर हमारा गन्ना आखिर, क्योंकि हमारे यहाँ लेट तक मील चलता है 20-25 अप्रैल में या मई के शुरू हफ्ते तक बंद होता है, तो अगर इस खेत को 11 महीने मिल गए तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये अच्छा अपना उत्पादन दे देगा। कुछ बाज हम भी नहीं आने के, हम भी समय समय पर जो अपने तजुर्बेकार भाई हैं उनसे डोज पूछ पूछ के लगा देंगे। ये अपना 97-09 है अर्ली वेराइटी, देखो जी कितना सुंदर, शुरू में ये खेत जो है पिटा पिटा सा लग रहा था, लेकिन ये बीज जो है ये अब बहुत सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया। इधर जो है एक दो और बीज हैं, ये देख सकते हैं कितने अब ये शानदार होगी, इन पे भी दोस्तों अब तक कोई मिट्टी नहीं आई, ये गिर गए थे, अब इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे, देख सकते हैं। ये देख लो जी, कुछ भाई कह रहे थे कि तजुर्बा जो है दोस्तों करने से होता है, वैसे ही कुछ नहीं होता, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हमने एक खूड़ जो है थोड़ा सा लगाया था जेड पट्टी में, तो वहाँ आप उत्पादन देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से गन्ना जेड पट्टी का लगा हुआ है, ये देख लो जी, ये यहाँ से गन्ना जेड पट्टी में बो रखा हल्का तिरछा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जेड पट्टी की बुआई है, ये देख लो कितना शानदार इसने गन्ने ने उत्पादन कर रखा। तो किसान भाइयों आप समय समय पे अपने खेतों में तजुर्बा करते रहें, कुछ ना कुछ जब आप करोगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इसकी जेड पट्टी देख के ही हमने घिम्मो वाले में जेड पट्टी से बुआई करी, और मुझे ऐसा लग रहा कि अगर हमने इस तरीके से बुआई करी तो हम सफल ज़रूर होंगे। कुछ भाई उन्हीं गन्नों को जो है ब्यात कराने में लग जाओ, अब ये बेल जो है जैसे लौकी की बेल लगा दी थी तो अभी ये ख़त्म हो जाएंगी, इन्हें हटा के दोस्तों फाइनल जुताई हो जाएगी, ये इसका भी काम निमट जाएगा। तो दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और अपना जो सुझाव हो वो भी ज़रूर दें, आपका सुझाव ज़रूर मान्य होगा। नमस्कार।